हेलो फ्रेंड्स, हम लोग त्रिभुज चैप्टर में परमेय 6.3 हम लोगों ने देखा था। परमेय 6.3 क्या है कि दो त्रिभुज आपके अगर हैं, दोनों के संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। यही आपका परमेय 6.3। तो हम लोग क्या देख रहे थे, समरूपता देख रहे थे। समरूपता में हम लोगों को क्या कि दो आकृतियां समरूप होती हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो हम लोग ने त्रिभुज के बारे में देखा। तो 6.3 पर मैं कहता है कि अगर दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, यानी दोनों त्रिभुज वो समरूप होंगे। तो हम लोग एक चीज और देखते हैं इसमें। परमेय 6.3 में हम लोगों ने जो देखा था वो पहले एक सेकंड में रिवाइज कर लेते हैं। परमेय 6.3 ये कहता है कि आपके अगर दो त्रिभुज हैं ए बी सी और डी ई एफ, आपका कोण ए कोण डी के मान लेते हैं बराबर है और कोण बी कोण ई के और कोण सी कोण एफ के बराबर है, तो संगतता क्या है, ए किसके संगत है डी के, बी किसके संगत है ई के और सी किसके संगत है एफ के। यानी त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ, ये है आपको, ये आपको पता है। तो 6.3 पर मैं क्या कहता है, ए बी अपान डी ई, ए बी अपान डी ई इक्वल टू ए सी अपान डी एफ इक्वल टू बी सी अपान ई एफ, ये आपका होगा। यानी त्रिभुज के अगर संगत कोण बराबर हैं तो उससे क्या पता चलता है कि संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। और समरूपता क्या होता है, समरूप तब होते हैं, दो आकृतियां हम लोगों ने पढ़ा कि संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो यानी अगर संगत कोण बराबर होने से ही संगत भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं तो हम लोग केवल इतना देख के ही बता सकते हैं कि संगत कोण अगर बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समानुपाती होंगे। ये परमेय 6.3 से। परमेय 6.3 से अब इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा हम लोग और ऐड करते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, एक मैं पॉइंट लिखता हूं, किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये कोण क्या होता है, ये आपने पहले ये माना जाता था कि ये जो सूर्य है ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है पहले। तो ये अगर सूर्य मान लेते हैं किसी एक पोजीशन पे, यहाँ मान लें यहाँ से स्टार्ट करता हुआ एक चक्कर पूरा ये कंप्लीट कर लेता है, ऐसे एक चक्कर लगाता है। तो लोगों ने क्या किया कि ये जो पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक का पार्ट था इसको 360 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यानी देखिए यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या हो गया, 1/4 है। फिर यानी ये यहाँ से यहाँ घूम के गया तो इसको क्या कहा कि 90 डिग्री होगा ये।
और यहाँ से ये पूरा हो गया, इसको ए यहाँ से अगर यहाँ घूम के चला गया तो 180, यानी बराबर पार्ट में, यानी और फिर ये भी 90 है तो पूरा 270 हो जाएगा और ये पूरा 360 हो जाएगा। यानी क्या किया, एक इसमें सारे पार्ट को यहाँ इसको ये, तो एक पार्ट जो बचा, एक पार्ट जो बना आपका, उसको क्या कहा, एक डिग्री। यानी टोटल को क्या कर दिया, 90 पार्ट में डिवाइड कर लिया। इतने को बोलो कि आप 90 पार्ट में, चाहे आप बोलो यहाँ से लेके यहाँ तक 360 पार्ट में, और जो एक पार्ट हुआ उसको क्या बोला, एक पार्ट जो ये आपका बना उसको क्या बोला गया, एक डिग्री। तो एंगल का जो रियल मीनिंग होता है ये आप समझिए कि एंगल का यही मीनिंग होता है कि पूरे सर्किल को आपने क्या करेंगे, इतने इसको 90 पार्ट में ऐसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और एक पार्ट का जो वो होगा उसको क्या कहेंगे, एक डिग्री। क्लियर? तो ये पूरा 90 हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक गया 180, यहाँ से यहाँ तक। तो ये एंगल का मीनिंग है। तो त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों अंताकोण, कोई भी त्रिभुज आप बनाते हैं तो त्रिभुज के तीन अंताकोण होते हैं। अंताकोण मतलब कि जो त्रिभुज के अंदर बनते हैं, त्रिभुज के अंदर, ये बाहर भी बनता है, जैसे ये एंगल। तो इसकी बात नहीं करी जा रही, केवल अंताकोण की बात करी जा रही है। तो ट्रायंगल में क्या होता है, आप कोई भी त्रिभुज बनाएं, ये जो अंताकोणों का योगफल होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री। आप कोई भी त्रिभुज, कैसे भी आड़ा तिरछा उल्टा सीधा कैसे भी त्रिभुज बनाओ, जितना अजीब आप सोच सकते हो उतना अजीब अजीब बना के देखो, और तीनों एंगल को आप जब मेजर करके लिखोगे, उसके बाद तीनों को जोड़ोगे तो ये क्या आएगा, हमेशा 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों अंताकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यानी कि तीनों अंताकोणों को सेट होने के लिए क्या चाहिए, 180 डिग्री चाहिए। ये एक पॉइंट है हम लोगों के पास। अब हम लोग ऐसा देखते हैं कि एक त्रिभुज आपका ये है, ये त्रिभुज है आपका ए बी सी, ये त्रिभुज है आपका डी ई एफ। जाहिर बात है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी 180 होगा, कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ भी 180 होगा, ये तो होता ही होता है। अब ये देखते हैं कि इसमें कोण बी और कोण सी, ये कोण भी इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, हमको केवल दो कोण के बारे में पता है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ के तीनों कोणों के बारे में हमको पता नहीं है। हमको लेकिन ये पता है कि दो कोण इसके बराबर हैं, कोण बी कोण ई के बराबर है और कोण सी कोण एफ के बराबर है। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ, इतना हमको पता है। तो ये देखिए, जो आपको दो एंगल अगर बराबर हैं तो तीसरा तो बराबर होना ही चाहिए। तीसरा बराबर क्यों होना चाहिए, क्योंकि तीनों का जो योग है वो 180 होगा। तो 180 था खर्च करने के लिए, तीन पार्ट में डिवाइड खर्च करने के लिए, तो दो पार्ट में जो खर्च हो गया 180 से जो बचा है यहाँ होगा। तो जितना यहाँ खर्च हुआ दोनों जगह, यहाँ इतना यहाँ भी खर्च हुआ दोनों जगह, तो ये तीसरा वाला कोण जो होगा ये आपका क्या होगा, 180 माइनस कोण बी प्लस कोण सी, सीधी सी बात है, क्योंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, तो कोण ए बराबर यहां से क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर पक्षांतर कर दीजिए 180 माइनस कोण बी प्लस कोण सी, और ये क्या हो जाएगा, कोण डी बराबर 180 माइनस कोण ई प्लस कोण एफ। अब कोण बी कोण ई के बराबर है, कोण सी कोण एफ के बराबर है, तो कोण ए कोण डी के बराबर हो जाएंगे कि नहीं बराबर हो जाएंगे। तो आप सीधा सीधा ऐसे समझिए कि त्रिभुज के तीनों अंताकोणों का योग 180 डिग्री होता है।
दो त्रिभुज आपके हैं, तीनों कोण के बारे में हमको नहीं पता है, दो कोण पता है कि केवल दो कोण, इस त्रिभुज का दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर है, तो तीसरा तो अपने आप बराबर होगा क्योंकि टोटल जो तीन जगह पे खर्च करना है 180 डिग्री है, तो दो बराबर पार्ट में खर्च कर लिए। अब 180 से जितना बचा होगा, तो जो बराबर खर्च हुआ तो 180 से बराबर बचा भी हुआ होगा। दो लोग 180 रुपया लेके जाएं, तीन जगह खरीदारी करनी है, एक जगह दोनों ने बराबर बराबर खरीदारी कर ली, अगले जगह भी बराबर बराबर खरीदारी कर ली, तो जो 180 से जो बचा है तीसरे जगह, वो तो सेम ही होगा। तो कहने का मतलब कि अगर त्रिभुज में केवल दो कोण बराबर हैं तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाता है। तो हमें अब क्या ये सीखना है कि हमें तीनों संगत कोण बराबर नहीं देखना है, संगत कोण केवल दो बराबर हो जाएं किसी त्रिभुज के तो तीनों बराबर होंगे और परमेय 6.3 से क्या होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो मैंने आपको ये बात बताने की कोशिश करी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो अगर कोई त्रिभुज है दो कोण बराबर हैं तो तीसरा भी बराबर होगा। तो इसका मतलब अब मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यदि दो त्रिभुजों में उनके दो संगत कोण बराबर हों उनके दो संगत कोण बराबर हों तो तीसरा कोण भी बराबर हो जाता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, या दो त्रिभुजों में उनके दो संगत कोण बराबर हों, दो कोण बराबर हों तो तीसरा कोण भी बराबर हो जाता है। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि तीनों को मिलके क्या क्या होना है, 180, तो दो पार्ट में दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए हैं, तीसरा पार्ट जो होगा वो सेम होगा, तो तीसरा कोण भी बराबर हो जाता है। इसीलिए कहेंगे कि यदि यदि एक यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोण के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको क्या बोला जाता है, एंगल एंगल या कोण कोण समरूपता कसौटी।
पूरी बात आप समझिए, ये आपका स्टेटमेंट हुआ कि अगर हम लोगों ने पहले क्या देखा कि समरूप आकृतियां क्या होती हैं, उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। लेकिन त्रिभुज में हम लोगों ने क्या देखा, प्रमेय 6.3 कहता है कि केवल संगत कोण अगर बराबर है तो संगत भुजाएं अपने आप समानुपाती होगी, उसको आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोगों ने क्या देखा, यानी समरूपता त्रिभुज की चेक करने के लिए हम केवल संगत कोण बराबर देखेंगे। फिर अब हम तीनों कोण नहीं देखेंगे, दो कोण ही देखेंगे, क्योंकि तीनों कोणों का कोई भी त्रिभुज हो योगफल 180 होता है, तो अगर दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यानी दो त्रिभुज ऐसे मिले हैं आपको कि दो कोण उसके दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हों तो दोनों तुरंत समरूप होंगे। इसका एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि जैसे या आपका ये मैं ले लेता हूँ त्रिभुज ए बी सी और ये के लेता हूँ त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ। यहाँ पे क्या हो जाए कि कोण बी बराबर आपका क्या हो जाए, कोण ई तथा कोण सी बराबर कोण एफ। आपको क्या है, दोनों त्रिभुज के केवल दो कोण बराबर है, इसका ये कोण इसके बराबर है और इसका ये कोण इसके बराबर है। तो हमको पता चल गया कि अगर दो कोण इसके इसके दो कोण के बराबर हैं तो तीसरा भी अपने आप बराबर होगा, यानी कि दोनों त्रिभुज क्या है, संगत कोण बराबर हैं। और परमेय 6.3 कहता है कि अगर संगत कोण बराबर हैं दो त्रिभुजों के तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। और समरूपता हम लोग कैसे चेक करते हैं कि संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती, तो हम लोग क्या कहेंगे कि त्रिभुज, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज। अब इसमें हम लोग संगतता के साथ लिखेंगे तभी सही रहेगा। यानी आप देखिए B के संगत क्या है, B वाला कोण किस कोण पे फिट बैठ रहा है, E वाले पे, C वाला किस पे, F वाले पे, तो A वाला क्या होगा, D पे होगा। तो अब संगतता के साथ लिखेंगे, यानी ट्रेंगिल ए बी सी समरूप, ऐसे नहीं लिख देंगे कि ट्रेंगिल ई एफ डी डी ई एफ ई एफ ई डी, कुछ भी नहीं। आप क्या देखेंगे, संगतता, यानी ए किसके संगत है, ए डी के संगत है, बी किसके संगत है, ई के संगत है, सी किसके संगत है, एफ के। तो आप ये लिख सकते हैं संगतता के साथ, तब ये सही माना जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। यहाँ से क्या पता चलता है, ये जो लिखा रहता है कि ए डी पर है, बी ई के संगत है, सी एफ के संगत है। तो ये हम लोगों का हो गया समरूपता कसौटी। पहला एंगल एंगल कि यानी दो त्रिभुज के किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हैं तो तुरंत समरूप। परमेय 6.3 हम लोगों ने क्या देखा, मैं एक बार बताता हूँ कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, कि ये कोण बराबर, ये कोण बराबर, ये कोण बराबर। तो यहाँ से 6.3 क्या कहता है, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ है। इतना आपको पता है, दो त्रिभुज ऐसे हैं ए बी सी डी एफ जिसके संगत कोण बराबर हैं। तो परमेय 6.3 क्या कहता है, तो अगर ऐसा है तो ए बी अपान डी इक्वल टू ए सी अपान डी एफ इक्वल टू बी सी अपान ई एफ, ये आपका क्या होगा, होगा 6.3 पर में आपका ये कहता है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या इसका विलोम सही है इस प्रमेय का। तो मैंने बताया था कि प्रमेय में दो पार्ट होते हैं, एक दिया रहता है और दूसरा होता है।
जिसको हम लोग सिद्ध कर लेते हैं फिर बाद में यूज करते हैं। तो अगर संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। हम इसका उल्टा देखेंगे कि अगर क्या संगत भुजाएं समानुपाती हो, यानी दो त्रिभुज ऐसे हो आपके पास ए बी सी और डी एफ, कि ए बी अपान डी इक्वल टू ए सी अपान डी एफ इक्वल टू बी सी अपान ई एफ है। यानी क्या है, यहाँ पे दो त्रिभुज ऐसे आपको मिले हैं कि जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं, पहले से पता है हमको। तो अब क्या यहाँ पे संगत कोण बराबर थे, संगत भुजाएं समानुपाती, तो इसका विपरीत क्या होगा कि संगत भुजाएं समानुपाती तो क्या संगत कोण बराबर होंगे, यानी क्या कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ, ये होगा, ये हम लोग चेक करेंगे। तो ये 6.3 का विलोम होगा और ऐसा होता है। इसको हम लोग अभी क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, यानी कि अगर कि दो त्रिभुज ऐसे हैं जिनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ये 6.3 का विलोम है, इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। ये आपका है प्रमेय 6.4, प्रमेय 6.4, यदि यदि दो त्रिभुजों की यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ये आपका हो गया, और स्टेटमेंट आप पूरा अगर कंप्लीट करें ये हम लोग सिद्ध करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संगत भुजाओं का अनुपात अगर समान है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी अगर दो त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान है तो दोनों समरूप होंगे। अभी हम लोग सिद्ध करें पहले कि उसके संगत कोण बराबर होंगे। ये हमको अब हम लोग थ्योरम देखते हैं, थ्योरम से ही पता चलता है हमको क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। तो क्या दिया है, दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान है, यानी कि दो त्रिभुज आप ले सकते हैं। दो त्रिभुज आप ले सकते हैं ए बी सी और डी ई एफ। तो हम लोग पहला लिखेंगे क्या आपको दिया है, दिया है आपका त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ इस प्रकार है। कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं, तो ए के संगत डी को मान लेते हैं, बी के संगत ई को, सी के संगत एफ को। तो ए बी सी तथा डी एफ इस प्रकार हैं कि ए बी अपान
डी इक्वल टू ए सी अपान डी एफ इक्वल टू बी सी अपान ई एफ, ये आपका दिया है। आपको सिद्ध क्या करना है कि संगत कोण बराबर है, यानी कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ, ये आपको सिद्ध करना है। दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान है, यानी दो त्रिभुज हमको ऐसे पता है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान है, हमको सिद्ध करना है कि कोण ए इनकी संगत कोण भी बराबर होंगे। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे इसका प्रूफ। सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुज हैं, एक छोटा होगा या एक बड़ा होगा या दोनों बराबर होंगे, इतनी पॉसिबिलिटी होगी। तो अगर ये छोटा होगा तो ए बी लेंथ के बराबर यहाँ पे हम लोग एक मान लेते हैं डी पी, और ए सी लेंथ के बराबर यहाँ पे हम ले क्या ले लेते हैं क्यू, और इन दोनों को मिला देते हैं। तो सबसे पहले काम क्या किया, जो डी पी है वो ए बी के बराबर रखा और डी क्यू है वो ए सी के बराबर, और पी तथा क्यू को मिला दिया। अगर ये छोटा त्रिभुज है तो ए बी लेंथ, ये डी बड़ा होगा तो ये इस पर कहीं आएगा, और ए सी लेंथ ये इस पर कहीं आएगा। ये पहला काम हम लोगों ने कर लिया, P और Q को मिला दिया, ट्रेंगल ABC और ट्रेंगल DEF में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान है, हमको क्या सिद्ध करना है, उनके संगत कोण बराबर हैं। अब हम लोगों को जो दिया है वो देखते हैं, दिया है AB अपान DE, इसको लेते हैं AB अपान DE इक्वल टू ए सी अपान डी एफ, ये आपको दिया है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, जो दिया रहता है उसका तो आप यूज कर सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल करके लिख दिया तो इसको उल्टा करके लिख दीजिए, तो ये क्या आ गया डी अपान ए बी इक्वल टू डी एफ अपान ए सी। ये क्या क्या किया हम लोगों ने व्युत्क्रम करने पर, ये बराबर ये है तो इसका रिवर्स भी बराबर होगा, डी अपान ए बी इक्वल टू डी एफ अपान ए सी। अब क्या करते हैं, इसमें एक घटा देते हैं दोनों साइड में, डी अपान ए बी इक्वल टू डी एफ अपान ए सी है, क्या करते हैं दोनों पक्षों से एक घटा देते हैं, कोई चेंज तो आएगा नहीं। अगर ये और ये बराबर हैं तो इसमें कुछ भी दोनों साइड जोड़ो, बराबर जोड़ो बराबर घटाओ, समान संख्या से मल्टीप्लाई करो समान संख्या से डिवाइड करो, तो दोनों इक्वल होंगे दोनों पक्षों में एक घटाने पर। घटाने का मतलब अभी आपको समझ में आया कि क्यों घटाया गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी माइनस ए बी अपान ए बी इक्वल टू डी एफ माइनस ए सी अपान ए सी। अब देखिए ये क्या हो गया, डी ई माइनस ए बी, ये पूरा लेंथ आपका डी ई है और ए बी किसके बराबर है, डी पी के बराबर है, यहाँ आप देख लिए ए बी किसके बराबर है डी पी, तो ये आपका हो गया डी माइनस डी पी अपान डी पी इक्वल टू डी एफ माइनस ए सी की जगह हम लोगों ने क्या रख दिया, डी माइनस ए बी अपान डी माइनस डी पी अपान डी पी इक्वल टू डी एफ माइनस ए सी की जगह हम लोग क्या लिख देंगे डी क्यू,
डी एफ माइनस ए सी है, तो ए सी बराबर क्या है, डी क्यू हम लोग लिख देंगे, तो कोई चेंज तो आएगा नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने ए बी की जगह पे डी पी, ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू रखने पर, ए सी बराबर डी क्यू रखने पर ये रख दिया हम लोगों ने। अब ये जो मिला आपका डी माइनस डी पी, ये लेंथ आपका पूरा डी है, डी से डी पी लेंथ आप निकाल दोगे तो क्या मिलेगा, पी लेंथ मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका पी, पी अपान डी पी इक्वल टू डी एफ माइनस डी क्यू, ये पूरा लेंथ डी एफ है, ये डी क्यू निकाल दोगे तो आप क्यू एफ बचेगा, क्यू एफ अपान डी क्यू। ये हम लोगों ने क्यों लिखा, क्योंकि डी ई माइनस डी पी, डी ई माइनस डी पी इक्वल टू पी है और डी एफ माइनस डी क्यू, डी एफ ये पूरा है, डी क्यू पार्ट हटा दोगे तो क्यू एफ पार्ट तो बचेगा, ये क्यू एफ, इसलिए हम लोगों ने ये लिख दिया। अब इसका फिर रेसिप्रोकल कर देते हैं, देखिए डी पी अपान पी इक्वल टू डी क्यू अपान क्यू एफ, फिर क्या क्या व्युत्क्रम करने पर, यहाँ से हम लोग कहाँ पहुँच गए, यहाँ व्युत्क्रम करके, अब देखिए डी पी अपान पी, डी पी अपान पी इक्वल टू डी क्यू अपान क्यू एफ, यानी हमको क्या पता है किसी त्रिभुज में ये जो लाइन खींची गई है रेखाखंड, ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, डी पी अपान पी इक्वल टू डी क्यू अपान क्यू एफ, तो हम लोग क्या कहेंगे कि त्रिभुज डी ई एफ में डी पी अपान पी इक्वल टू डी क्यू अपान क्यू एफ है। अतः पी क्यू समांतर ई एफ होगा। ये कहाँ से मिला, परमेय 6.1 का विलोम यही कहता है कि अगर कोई रेखाखंड खींची गई दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो ये और ये समांतर होंगे। परमेय 6.1 का विलोम, हम कहां तक पहुंच गए, पी क्यू समांतर ई एफ, यानी पी क्यू और ई एफ समांतर होगा। मैं यहां पे पी क्यू और ई एफ को ऐसे बना देता हूं अलग से, ये आपका पी क्यू है, ये आपका ई एफ है, पी क्यू और ई एफ क्या है, समांतर है, और ये आपका ई पी है, इसको और थोड़ा इसे आगे बढ़ा दीजिए, ये है। अब देखिए ये एंगल जो कोण पी है और कोण ई, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि दो समांतर रेखाओं को त्रियक रेखा काटती है, तो ये संगत कोण ये और ये बराबर होते हैं। उसी हिसाब से क्यू एफ को देखिए, ये दो रेखाएं हैं समांतर रेखाएं, इनको त्रियक रेखा काटती है, तो ये संगत कोण ये और ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा, ये बराबर होगा। आप ये देख लीजिए कि दो समांतर रेखाओं को त्रियक रेखा जब काटती है तो ये संगत कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ पे दो समांतर रेखाएं हमारी कौन सी हैं, पी क्यू और ई एफ है, और संगत कोण कौन सा होगा, ये इसके बराबर होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये दो समांतर रेखाओं को त्रियक रेखा काटती है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो पी क्यू समांतर ई एफ हो गया। यहाँ से हमको मिल गया कि कोण P बराबर कोण E और कोण Q बराबर कोण F। ये संगत कोण होगा, इसको क्या कहें कि पूरा लिख सकते हैं आप कि
दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, संगत कोण बराबर होंगे। ये हम लोग क्या नाइन्थ में पढ़ चुके हैं। कि दो लाइन है आपका, दोनों पैरेलल हैं, इनको क्या करती है, कोई भी तीसरी लाइन कट करती है। तो कट करने के बाद जो ये एंगल बनता है, यहाँ पे ये एंगल जो होता है थीटा, वही एंगल यहाँ पे थीटा होता है। तो उसको हमको क्या देखना है, ये पी क्यू को थोड़ा ऐसा बढ़ा करके समझिए, ये पी क्यू पूरा ये है और ई एफ को ऐसे समझिए। अब ये दो पी क्यू ई एफ समांतर है, उनको ये लाइन कट कर रही है, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, और ये कोण बराबर हो गया। कोण P बराबर कोण E, कोण Q बराबर कोण F। अब देखिए जो कोण P आपका कोण E के बराबर हो गया और कोण Q कोण F के बराबर हो गया। अब हम लोग ट्रेंगल DPQ और DEF को अलग अलग देखते हैं। ये एक ही त्रिभुज में बने हैं, मैं इसको अलग अलग बना लेता हूँ। पहले डी पी क्यू को अलग बना लेता हूँ, डी पी क्यू, और फिर बड़ा वाला त्रिभुज आपका डी ई एफ। इसमें क्या है, कोण पी जो ये है ये कोण ई के बराबर है, और कोण क्यू क्या है, कोण एफ के बराबर है, ये आपको पता है। हम लोग कहेंगे कि त्रिभुज डी पी क्यू तथा त्रिभुज डी ई एफ में कोण पी बराबर कोण ई, कोण क्यू बराबर कोण एफ। अतः यदि दो त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हों तो दोनों समरूप होते हैं, ये हम लोगों ने अभी अभी देखा है प्रमेय 6.3। तो इसका पी वाला किसके संगत है, ई के संगत है, तो इसको आप पहले लिख लिया करिए कि पी वाला कोण किसके बराबर है, यानी पी किस पे जाएगा, क्यू किस पे रहेगा, एफ पे रहेगा, यानी डी डी तो डी के संगत, क्योंकि ये डी जो है उभयनिष्ठ है। यानी क्या होगा कि आपका त्रिभुज डी पी क्यू समरूप त्रिभुज डी पी के संगत क्या है, ई क्यू के संगत क्या है, एफ। कहाँ से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी। एंगल एंगल समरूपता कसौटी क्या कहता है कि दो त्रिभुज हैं, दोनों के दो कोण अगर बराबर हैं तो दोनों समरूप होंगे, बस आपको संगतता ढूंढना है। P के संगत E है, Q के संगत F है, जो बाकी बचा वो उसके संगत होगा, यानी डी पी क्यू समरूप डी ई एफ होगा। ये आपका पता चल गया कि डी पी क्यू समरूप डी ई एफ। अब हम लोग देखते हैं कि हमको ए बी अपान डी इक्वल टू ए सी अपान डी एफ इक्वल टू बी सी अपान ई एफ, ये पहले से पता है। ए बी अपान डी इक्वल टू ए सी अपान डी एफ इक्वल टू बी सी अपान EF, ये आपका दिया है। और अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, यहाँ से आप देखिए
कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी डी पी अपान डी इक्वल टू डी क्यू अपान डी एफ। dP/dQ/dF = PQ/AF समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ये आपको पता है कि अगर आपने ये कह दिया कि दोनों समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो एंगल समरूपता कसौटी से dP/PE = dQ/AB, और हमको पहले से क्या पता है कि AB/DE = AC/DF = BC/EF, ये हमको पता है, ये आपका दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का यूज करेंगे, देखिए कैसे। जो हम लोगों ने DP ड्रा किया था ये किसके बराबर था, AB के बराबर, यानी DP जो था आपके AB के बराबर था, और जो DQ ड्रा किया था ये AC के बराबर था। यानी इसमें अगर हम DP की जगह क्या रख दें, AB, और DQ की जगह क्या रख दें, AC, इसको इक्वेशन नंबर एक कहते हैं, इसको इक्वेशन नंबर दो। समीकरण एक में रखने पर, यानी पहले समीकरण में DP बराबर AB, क्योंकि जो AB हम लोगों ने AB के बराबर ही DP खींचा था और AC के बराबर DQ, तो ये रख दीजिए, तो DP की जगह क्या रख दिया, AB, तो ये आपका आ गया AB/DE। DQ की जगह क्या लिख दिया, AC/DF = PQ/EF, ये आपका मिल गया। अब इक्वेशन नंबर टू देखिए, आपका AB/DE = AC/DF, AB/DE = AC/DF = BC/EF है, यानी यहाँ पे जो AB/DE की वैल्यू ये है BC/EF, ये और ये बराबर होने चाहिए, तो यहाँ से क्या आएगा आपका AB/DE = AC/DF = PQ/EF, और यही किसके बराबर आ जाएगा, BC/EF के बराबर आ जाएगा। अब देखिए ये PQ/EF BC/EF के बराबर है, तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि PQ/BC बराबर होंगे, क्लियर, PQ/BC क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों पार्ट इक्वल है और ये पार्ट भी इक्वल होंगे। तो आप इसको ऐसे पूरा ना लिख के सीधा सीधा ये लिख देते हैं कि AB/DE की वैल्यू ये है PQ/EF, तो PQ/EF, और AB/DE की वैल्यू है BC/EF, तो ये दोनों भी बराबर होंगे BC/EF। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि PQ जो होगा वो BC के बराबर होगा, ऐसे मान लेते हैं EF खत्म हो गया, तो BC/PQ, यानी जो PQ लेंथ और BC लेंथ क्या होगा, बराबर होगा। मैंने पहले बताया कि ऐसे AB जो लिखा रहता है ज्योमेट्री में, ये क्या रहता है, AB रेखाखंड की लंबाई, तो PQ लेंथ और BC लेंथ बराबर होगा, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ
त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में क्या है आपका ए बी बराबर डी पी है, ए बी बराबर डी पी, ए सी बराबर डी क्यू, ए सी बराबर डी क्यू, बी सी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर यानी दोनों त्रिभुज के तीनों साइड बराबर हैं, तो तीनों साइड बराबर हैं तो आप कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी पी क्यू। ये कैसे होता है, साइड 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 सर्वांगसमता कसौटी। आपका क्या पता चल गया, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी पी क्यू, ये साइड 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 सर्वांगसमता कसौटी। ये कहता है कि किसी दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज के तीनों साइड अगर बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। यानी ए वाला किसके संगत है, ए वाला डी के संगत है, बी वाला पी के संगत है, सी वाला क्यू के, तो ये दोनों सर्वांगसम होंगे और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे, कोण पी बराबर, कोण बी जो होगा वही कोण पी होगा। कोण बी बराबर कोण पी और कोण सी बराबर क्या होगा, कोण क्यू। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ये कहाँ से हम लोगों को पता चला, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। बी किसके संगत है, पी के, तो कोण बी पी के बराबर, कोण सी कोण क्यू के बराबर। अब हम लोग देखिए कि कोण पी बराबर कोण ई हम लोग पहले, यानी कोण ई बराबर कोण पी हम लोग ये पहले ला चुके हैं, और कोण क्यू बराबर कोण एफ यानी कोण एफ बराबर कोण क्यू ये हम लोग को पता है। हम लोग पीछे सिद्ध कर चुके हैं कि कोण ई बराबर क्या है, कोण पी और कोण ई बराबर आए थे और कोण क्यू और कोण एफ बराबर आया था। तो यहाँ से देखिए कोण पी कोण बी के बराबर है, कोण पी कोण ई के बराबर है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि जो कोण बी होगा वो कोण ई के बराबर होगा, और कोण एफ जो होगा या आप कहेंगे कोण सी जो होगा वो कोण एफ के बराबर होगा। यानी जो कोण बी होगा वो कोण ई होगा, जो कोण सी होगा वो कोण एफ होगा, तो कोण ए बराबर कोण डी तो अपने आप होगा, तथा कोण डी बराबर कोण ए बराबर कोण डी। अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा अपने आप बराबर होता है, क्योंकि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर आपका ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण आपका बराबर हो, तो ये तीसरा कोण भी क्या होगा, अपने आप बराबर होगा। तो कोण ए बराबर कोण डी। तो हम लोगों को क्या पहुँचना था, यही तो करना था, यही सिद्ध करना था। यही सिद्ध करना था कि कोण ए कोण डी के बराबर, कोण बी कोण ई के बराबर, कोण सी कोण एफ के बराबर है। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। तो इसमें सीधा सीधा क्या है, 6.3 पर में क्या कहता है कि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। और प्रमेय 6.4 क्या कहता है कि अगर संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो संगत कोण बराबर होंगे। और यानी दोनों केस में क्या होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यानी संगत कोण बराबर है तब भी समरूप, संगत भुजाएं समानुपाती हैं तब भी समरूप, और संगत कोण देखने के लिए हम केवल दो कोण चेक करेंगे, अगर बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप, क्योंकि तीसरा तो अपने आप ही बराबर होगा। तो इसके बाद
इसके बाद एक प्रमेय और है, फिर इस पे बेस्ड क्या होगा, क्वेश्चन होगा त्रिभुजों की समरूपता पे। तो हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं, इसके बाद एक प्रमेय और करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।